आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल, यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान अध्ययन, जिसे आप हमारा राजस्थान कहते हैं, 6 to 12 सिर्फ और सिर्फ बुक, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, इवन मेरी भी नॉलेज नहीं। वीडियो के व्यूज पर मत जाना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन आनी सबको पता है, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। आप पढ़ने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हमारा राजस्थान कक्षा 8, ये जो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुष्ठान यानी कि आपकी जो RBSE है वही ये सब बनाती है। इसकी कंटेंट लिस्ट आपके सामने, टोटल 10 चैप्टर्स हैं और हम 10 वीडियोस में इसको करेंगे और लास्ट में इसकी मैराथन वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपके सामने 18th जो सेंचुरी थी तब जो राजस्थान का जो भी व्यू था वो कैसा था। तो सबसे पहला चैप्टर है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले बात ही शिवाजी की हुई है। तो शिवाजी की जो शक्ति थी वो कैसे जानी जाती थी, मराठा शक्ति जानी जाती थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो मराठा शक्ति ने कहाँ पे अपना विस्तार किया था, उत्तर भारत में, ठीक है, जिसमें क्या क्या था, मालवा और गुजरात, यहाँ पे क्या थे आक्रमण ये होने लगे थे, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश कर लिया था और 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक लहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये अटक से कटक, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, इंडियन जीके भी साथ साथ चल रही है, ये है राजस्थान अध्ययन लेकिन कुछ कुछ इसमें टॉपिक साथ ले रहे हैं ये, जैसे कि ये लाइन आपके सामने रिलेटेबल तो राजस्थान से ही है। तो 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा में कहाँ से, अटक से कटक, ठीक है, और ये क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से ही समझिएगा। फिर 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए, इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। अब ये खिराज है क्या, अगर आपने 6th और 7th की बुक जब मैं पढ़ा रही थी अच्छे से सुनी होगी तो आपको ये याद होगा, अदरवाइज लिंक आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक पर बुद्ध सिंह को दोबारा से शासक बना दिया। अब बात करेंगे हुरड़ा सम्मेलन की, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया गया था और ये किसने बुलाया था, राजपूत राजाओं ने बुलाया था, कहाँ पे, राजस्थान में ही। तो ये भीलवाड़ा जो जगह है उसी में नाम है हुरड़ा, उसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है, ये ऑप्शंस दे देते हैं तो आपको याद रखना है। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाल भी आए थे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे क्या था, अहदनामा तैयार किया था, इसमें ऐसा निश्चित कर लिया गया था कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जब जब कोई भी योजना मिलेगी तो सब निश्चित करेंगे इकट्ठे होके। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सारे इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी चला नहीं क्योंकि किसी ने इसकी पालना की नहीं थी, ठीक है। सभी के रीति रिवाज परंपरा सब कुछ अलग अलग होता ही है। तो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता जी को, जिनका नाम था राधाबाई, उनको 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा था, ठीक है। तो यानी कि देखिए उन्होंने अपनी मम्मी को भेजा और किया क्या, उन्होंने जाके जैसे वो दौरा करके आए तो उन्होंने वहाँ से चौथ वसूली की, ठीक है। पहले उन्होंने मम्मी को भेजा, अगले साल वो खुद आए और वहाँ पर चौथ की वसूली की। उसके बाद है राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका, ये 1743 से 1750 यानी कि टोटल 7 ईयर्स चला था। इसमें क्या था, संघर्ष होने लगा था उत्तराधिकार का, जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष आपके सामने। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में कर दिया गया था, लेकिन शर्त हुई थी कि जो इनका बेटा होगा यानी कि राजकुमारी का, वही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु होगी और राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न जो माधो सिंह थे उन्होंने अपना महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से, जो सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वर सिंह, उसको चुनौती दे दी कि नहीं मैं ही बैठूंगा। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने जो माधो सिंह है उनका पक्ष लिया। ईश्वर सिंह और माधो सिंह में राजमहल और बगरू का युद्ध हो गया, ये दो युद्ध के नाम है। और अपने सेनापति जो हरगोविंद नाटाणी थे उनकी कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ गई थी, मतलब खुद को मार दिया उन्होंने, और माधो सिंह इस हिसाब से फिर जयपुर का शासक बन गया। तो ये सारा राजघराना राजगद्दी के लिए ऐसा कुछ किया, ये था जयपुर का। अब बात करेंगे जोधपुर उत्तराधिकार का संघर्ष। जोधपुर में क्या हुआ, जैसे जयपुर में हुआ था वैसे ही मराठों ने हस्तक्षेप किया। यहाँ पे भी राम सिंह और भक्त सिंह ये जो थे इनमें भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। इसी बीच आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो हुआ क्या, पेशवा सिंधिया और होलकर के हस्तक्षेप जो है वो बढ़ गए थे।
और राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा मिल गया था। तो बात क्या हो रही है, देखो राम सिंह भगत सिंह में लड़ाई हो रही है, पेशवा शिंदे अपना वो देख रहे हैं, कृषि बर्बाद होगी, सब कुछ दिन प्रतिदिन यहाँ पे मराठों का ही राज होने लग गया। समझौता करने पे कोई फेमस कोई भी राजी नहीं था। मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष कैसे हुआ, 1761 में राज सिंह जो द्वितीय थे उनकी मृत्यु होगी और अरी सिंह के मेवाड़ के राज सिंह हासन पर उनको बिठा दिया गया था। अरी सिंह व दूसरा रतन सिंह ये दोनों ही क्या थे, दावेदार थे। दोनों ने मराठों के सहयोग जो सहायता थी लेने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। तो गृह युद्ध में हुआ क्या, मराठा ने हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर विकास बिल्कुल ही रुक गया था। अंग्रेजी संधियाँ यानी कि अंग्रेज ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो अंग्रेजों का जो एक राजस्थान में झुकाव जो था वो स्वाभाविक था, बहुत रिच था राजस्थान किसी ज़माने में। 1817 से 1818 में अंग्रेजी संधियाँ जो हैं वो कुछ कुछ शासकों ने शुरू कर दी थी करने। 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले राजस्थान में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की। 1818 में सिर्फ एक सिरोही था जिसने संधि नहीं की थी और बाकी सबने संधि कर ली थी, ठीक है। और 1823 ईस्वी में तो सभी ने इसमें संधि पे हस्ताक्षर कर दिए। जो मारवाड़ थे उन्होंने ही सिरोही को तब तत्काल ऐड नहीं होने दिया था। तो याद रखना 1803 में भरतपुर, 1818 तक सभी, बस सिरोही नहीं, और 1823 तक पूरा राजस्थान यानी कि सिरोही को मिला के ये अंग्रेजों के साथ ऐड हो गए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने इसको डबल टाइम आपके लिए रिपीट किया। अब बात करते हैं कि अगर ये संधियाँ हुई थी तो इनके परिणाम क्या हुए थे। 1817 और 18 में जो ये अंग्रेजों को इन्होंने अपना शासन इसमें हेल्प करने के लिए बुलाया, उन्होंने किया क्या, ये कर वगैरह लेने लगे जिससे स्वदेशी व्यापार तो बिल्कुल नष्ट हो गया, उन्होंने अपनी कंपनियां चला ली और इसकी जो 1857 जो संग्राम है उसमें इसका परिवर्तन हो गया। अहदनामा होता है इकरारनामा या समझौता प्रपत्र। चौथ होता है अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। और खिराज होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर। यही अपने स्टार्टिंग में देखा था और यहाँ पे शब्दावली में दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये खिराज कर तो आया भी हुआ है, ये कहाँ पे लगता है, तो कृषि में लगता है। अब बात करेंगे होमवर्क क्वेश्चन की। अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से सुनी है तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप वापस से वीडियो को चाहे पॉज करके कैसे भी ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हुर्रा सम्मेलन कहाँ हुआ था, या फिर मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया, 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ किसने सबसे पहले संधि स्वीकार की, पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी, इसके MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष कैसा था, हुरुड़ा कहाँ पे था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हमने आपको शो किए हैं विद इन 8 to 9 minutes। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आप अगला जो ये चैप्टर है वो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एग्जाम जी, सब्सक्राइब नाउ। अगर आप यहाँ तक अब तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पढ़ने की राह पर चल चुके हैं। बस उम्मीद है कि आप ये सारी सीरीज़ पूरी करेंगे, चाहे खुद से करें चाहे हमारे चैनल के थ्रू करें। पढ़ना ज़रूर है, राजस्थान अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6th, 7th राजस्थान अध्ययन हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं क्लास 8th, 9th, 10th, 11th and 12th। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जॉब लग के दिखाइए। थैंक यू सो मच।